न्यूज, खबरों की नई पहचान। बीते सोमवार को मधुपुर के चंपारण गांव में किसी अज्ञात ने भीम चौक पर लगी बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी और प्रतिमा का चश्मा उतारकर उसे गुम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कल सोमवार की शाम को किसी ग्रामीण की नज़र अचानक प्रतिमा पर पड़ी तो चश्मा न देखकर प्रतिमा पर गौर किया गया तो प्रतिमा के दाएं हाथ का अंगूठा भी टूटा पाया गया। इसके बाद यह बात गाँव एवं आसपास के इलाके में आग की तरफ फैल गई। आनन फानन में मधुपुर थाने को खबर दी गई। मधुपुर प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की पुष्टि की और ग्रामीणों से आवेदन लेकर आगामी कार्यवाही की आश्वासन दी। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। ये उंगली को तोड़ के रख दिया है तो बोले ऐसे कैसे हो गया। फिर हम लोग फोन किए, थाना प्रभारी को भी फोन किए, संजय सर को भी फोन किए, सारा आदमी सब आए जुटे यहाँ पे, बोले कि नहीं कल जो है रोड जाम किया जाएगा, जब तक हमारे हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह का रोड जो है जाम लोग रखेंगे। आज ग्राम चरपा मधुपुर प्रखंड स्तर अंतर्गत चरपा में बाबा साहब के स्टेचू के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ किया, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, संविधान रचिता के साथ छेड़छाड़ किया। मैं इस चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सरकार से लेकर प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ, उनसे आग्रह पूर्वक करना चाहता हूँ। देश बहुत गंभीर परिस्थिति में चल रहा है, बारूद पर बैठा हुआ ये देश है, अगर इस देश को नहीं संभाला गया बाबा साहब के साथ और अपने हमारे जितने भी जो भी पूर्वज हैं, जो भी हमारे इस देश के बलिदानी हैं, महापुरुष हैं, उनके साथ अगर इस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ होता रहा तो ये देश कभी भी जल सकता है, हम कभी भी अपना सब्र का सीमा तोड़ सकते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि बगल में हमारे बाबा साहब का प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ कल कुछ अस्तित्व ने बाबा साहब का उंगली तोड़ दिया है और ये घटना बार बार होती है। कुछ दिन के पहले घसको में बाबा साहब का प्रतिमा का मुंडी तो काट के ले गया, आज यहाँ उंगली तोड़ देता है। मान लीजिए हर बार हमारे बाबा साहब का पर ही क्षति होता है, ये बाबा साहब का ये संविधान निर्माता फिर भी इन्हीं का क्षति है, हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। इसी के कारण से हम लोग आज रोड जाम किए हैं और जब तक हम लोग का मांग है, जब तक बाबा साहब का यहाँ बढ़िया से भव्य नहीं होगा हम लोग जाम नहीं हटाएं। देखेंगे, हम पता करेंगे अपने स्तर से कौन इसमें सम्मिलित हैं, जो सम्मिलित होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इन लोगों को है जानकारी, हम इनसे पूछताछ करेंगे, हमको भी जानकारी मिल जाएगी। हमको ये नाम नहीं बताया है, लेकिन घटना हुए लगभग 24 घंटे में हमको सूचना मिली थी, हम आए हुए थे, लोगों को बताए हुए थे कि जो उचित कार्रवाई होगी इस पर।